हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो के मदद से आप पुराने पीसी या खराब पीसी के पार्ट्स को यूज करके नया पीसी बिल्ड कर पाओगे विथ लो बजट के साथ। इस पीसी को चेक करने के बाद पाया कि मदरबोर्ड में इंटरनल प्रॉब्लम है जो रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से वारंटी भी ख़त्म हो चुका है और सेम मदरबोर्ड लेने पर काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसलिए मैंने इस पीसी से जो यूजुअल पार्ट्स हैं उसे निकाल लिया और कुछ नया पार्ट्स मार्केट से खरीद लिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जेब्रोनिक का H81 मदरबोर्ड है जो आपको मार्केट में अंडर 4000 में मिल जाएगा। TP-Link Wi-Fi Dongle 300 Mbps Mini Wireless Network USB Wi-Fi Adapter जो मार्केट में आपको अंडर 600 में मिल जाए। इंटरनल SSD हार्ड डिस्क की बात करें तो Kingston का 240 GB का है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी फास्ट काम करता है। प्राइस की बात करें तो अंडर 3.5K के आसपास मिल जाएगा। और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 4th जेनरेशन है, साथ में CPU कूलिंग फैन और 4GB का RAM भी है जो पुराने PC में था। कैबिनेट की बात करें तो iWall with SMPS है क्योंकि पुराने कैबिनेट में स्पेस काफ़ी छोटा था। चलिए फटाफट PC को बिल्ड करते हैं। हाँ दोस्तों, प्रोसेसर को केयरफुली सही से इंस्टॉल करें, नहीं तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चेक कर लेता हूं सही से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, सब ओके है। अब विंडोज डाल देता हूं। दोस्तों, इस तरह से आप भी बिल्ड कर पाओगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।